तो जी आज की कैंपिंग यहाँ पर होने वाली है हमारी बाबा अमरनाथ के चरणों में। जैसे देखिए दोनों भाइयों की गाड़ियाँ क्या जबरदस्त लग रही है। एक भारी मिस्टेक हो गई। क्या? जम्मू की कलाड़ी सच में दिल पे भारी। हम बता नहीं सकते अभी हमें कितना अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए। मतलब कैसा लगा बच्चों? एडवेंचर लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ये सामने देखिए भाई बेस कैंप अमरनाथ जी का। तो हमेशा के जैसे हमारा बेड तैयार है। नमकीन पड़ी है ना? नमकीन डाल के खाएंगे आराम से। चुकी चलना पड़ेगा यार ऐसे। क्यों, क्या हो गया? आगे चल के बताता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैसे पहलगांव की इन खूबसूरत वादियों में हमारी सुबह होती है हमारी कैरावैन के साथ। वहां से हम निकल जाते हैं बेताब वैली के लिए और वहां पहुंचते ही हमारे अंदर का ओवरलैंडर कीड़ा जाग जाता है और हमारा प्लान बन जाता है एक अच्छी सी डे आउट कैंपिंग का, वो भी रिवर साइड। अब आगे स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई बहुत ही स्पेशल जगह भी हम खड़े हैं, बेताब वैली, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। अच्छे से एक्सप्लोर कराई, वहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट हो गया हमारा। तो जी यहाँ पे बड़ा वाला प्लान चेंज हो गया, सभी आपस में अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। तो भाई हम असली कैंपर है, पीछे कैसे रह सकते हैं? तो भाई यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, कलाड़ी और विकास भाई अभी सोच रहे हैं क्या बनाएंगे। दोनों अपने अपने सामान लेकर आते हैं और पूरा बिल्कुल परे जाकर है ना, इन्होंने एक लोकेशन देखी रिवर साइड, वहाँ बैठ के कुकिंग करेंगे, चिल मारेंगे भाई आज, मजा आएगा। बढ़िया जी को लोकेशन देखते हैं। करीब 3-4 किलोमीटर की वैली बताइए जहाँ तक है ना, बिल्कुल अलग थलग बैठेंगे भाई, भीड़ भाड़ में नहीं बैठेंगे, मज़ा नहीं आएगा। जिस फील के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, वो फील करेंगे। तो जी फाइनली वहाँ से स्टार्ट किया था इतना सारा सामान लेके, वहाँ पे आगे की तरफ एक ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करते हुए ट्रैक करते हुए यहाँ पर आए हम। करीब करीब 1.25 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा तो नहीं है खैर, लेकिन भाई मेहनत तो लगती है। तो हमें ये लोकेशन मिली दोस्तों, देखिए यहाँ से शेषनाग रिवर है और उधर की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट वगैरह थे, शोर शराबा बहुत था, लेकिन यहाँ पर ओनली हमारी आवाज़ आएगी, हवा की आवाज़ आएगी और नदी की आवाज आएगी, पानी की आवाज। तो करें शुरू गाइस, हम कैंपिंग और कुकिंग जरूर करते हैं इतनी प्यारी प्यारी जगह पे, सुंदर सुंदर प्रकृति के बीच में, लेकिन अपना कचरा अपने साथ में लेके जाते हैं और अगर और भी कचरा हमें दिखता है ना, तो वो भी हम अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये आपसे जरूर एक निवेदन है, अगर आप लोग भी ये चीज करना चाहते हैं तो प्लीज कचरा मत फैलाइएगा। बच्चों को इतना शौक है ना, देखो मम्मा ये मैं कर दूं, मम्मा वो मैं कर दूं। तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ। तुम बैठो, नहीं बैठो भाई, मैं तो मेरे बैठ रहा हूँ। इस पर बैठ जाओ बेटा, इस पर फिर वो दिखेगी नहीं चेहरी। हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है नीचे। तो चिक्की जी स्टार्ट करें फटाफट। हाँ, शुरू क्या बनने वाला है अभी? अभी हम कलाड़ी कुलचा बनाने वाले हैं। तो कुलचे से मतलब कुलचा अलग होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे कलाड़ी कुलचा जो बोलते हैं ना जम्मू में स्पेशली, वो ब्रेड के साथ ही हमने तो अभी तक देखा है। अगर आप लोग जम्मू से और कुछ अलग तरीके से बनाते हो तो बताना। तो पहली बार हम लोग कलाड़ी कुलचा बनाने वाले हैं लाइफ में, खाया बहुत बार है, बनाने पहली बार है। चिक्की जी जी एक भारी मिस्टेक हो गई। क्या? मैं सिलेंडर नहीं लाया। इसमें है ना? पक्का? हाँ हाँ है। मेरे को टेंशन हो गई भाई। तो विकास भाई उधर बैठ के खुद का थोड़ा बहुत शूट कर रहे हैं कंटेंट, तो मिल बांट के बना लेंगे, मिल बांट के खा लेंगे भाई। तो मैं जाता हूँ कैमरे के पीछे, थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूँ, आपको अच्छा अच्छा दिखाता हूँ और चिक्की जी सेटअप करेगी जब तक। तो शुरू करें, सेटअप लगाते हैं अपना। बिल्कुल करिए जी सेटअप। तो क्या, एक ब्यूटेन स्टोव लगाना है और क्या है, लगाना है। इसको साइड में रख देते हैं। इसको तो आप जानते ही हो, हमारा एवरग्रीन ट्रेवल पार्टनर। कुछ कुछ चीजें तो फिक्स हो जाती है, जैसे श्रीखंड हमारा फिक्स है। हाँ। ये बेलपुड़ी एकदम फिक्स है, मतलब ये सही है, एकदम इजी होती है बहुत। और कचौरी, कचौरी को कैसे भूल सकते हैं। तो अभी शायद हम 9 से 10 हजार फीट पर हैं, तब जाकर, क्योंकि सिसु में भी, तेरे को पता है ना, मनाली में ऐसे फूलते नहीं है दोस्तों पैकेट, सिसु वैली में बहुत फूल जाते हैं। तो देखो बिल्कुल टाइट हो चुकी है, भैया ने जो चटनी दी थी क्या पता खराब हो गई या सही है, ये भी मतलब पूरी फूट चुकी है, मतलब फूट नहीं जाए कहने का मतलब। फूल के कुप्पा हो गई है, फूल के कुप्पा हो गई खुशी के मारे। तो ये सेटअप हमने इसीलिए बनाया था कि कभी हमारी इच्छा हो कि भाई रिवर साइड पे कुकिंग करनी है, तो यार ये होना चाहिए हमारे पास में। तो गाड़ी भी नहीं आ सकती यहाँ पे, तो ये बेस्ट है। तो गाइस हम लोग पहली बार कलाड़ी कुलचा बनाने जा रहे हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो भैया माफ करना, हमने सिर्फ बनाते हुए देखी और खाई है, तो ट्राई कर रहे हैं आज पहली बार। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो कलाड़ी आपको मैं बता दूं भाई, ये चीज होती है कलाड़ी, ये एक तरह का देसी चीज बोल सकते हो आप। जो चीज होता है वो दूध को फाड़ के बनता है, ये लस्सी को मतलब छाछ को, दही की जो लस्सी होती है ना उसको फाड़ के बनती है, खट्टी खट्टी लेकिन बहुत गजब टेस्ट आता है दोस्तों। जम्मू की कलाड़ी सच में दिल पे भारी। अरे डायलॉग मार दिया मैंने तो। अरे वाह, पंचलाइन हो गई, पंचलाइन हो गई भाई। यहाँ रखो, कल मैंने जो देखा था ना भैया ने, अपन ने खाई थी ना, थोड़ा सा बटर लगा था, हालांकि उन्होंने ऑयल डाला था, लेकिन हम बटर डालेंगे। ये ले, ये ले, ये पलटा है ना, इसे तो करेंगे। नहीं थोड़ा सा पहले थोड़ा डालो ना। हाँ तो थोड़ा सा तो डालना है। अरे पहले थोड़ा डालो, हम इस पे थोड़ा सा बटर डाल रहे हैं, अब हम डालेंगे कलाड़ी। ये देखिए गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देती हूँ मैं, अब इसको हम इस पे मेल्ट करेंगे। हम लोगों ने कल वहाँ देखा था जो भैया ने हमें खिलाई थी,
क्या बात है, उसे थोड़ा सा नमक भी डाला था, पहले बाद में डालते, पहले इसको पिघला। इस तवे का भी आज ही उद्घाटन होता है ना, जम्मू की कलाड़ी से है ना ये तवा भी दोस्तों, नया लेकर आए थे हम। इसकी भी वाइब अलग ही है चिक्की, है ना। मतलब हम बता नहीं सकते अभी हमें कितना अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए। मतलब बटर बटर तो है ना इस पे, ये देखो मेल्ट हो रही ना अब धीरे धीरे। ज्यादा बटर मत लगाना, उसका ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो हो जाएगा उस पे। उन्होंने इसको जो लाइट ब्राउन हो गई थी ना तब तक सेका था चिक्की। देखिए वहाँ पे भी ऐसे लाइट ब्राउन थी, हमारी भी एकदम लाइट ब्राउन हो गई है। हाँ, धीरे धीरे मध्य मध्य आंच पे हो रही है, खुशबू जोरदार आने लग गई चिक्की। हाँ, खुशबू आ रही है बढ़िया। ये देखो पिघल रही है, देखो आप। हाँ, मेल्ट हो रही है ना धीरे धीरे। इसको देख बीच में से दबा के देख वो। हाँ, सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट हो गई। हाँ, सॉफ्ट हो गई ना। क्या फ्रिज में रखते है ना दोस्तों इसको, और यहाँ पर भी ठंडा है टेम्परेचर। ये देखो पूरी सॉफ्ट हो रही है धीरे धीरे। हाँ, होने तो होने थे, अंदर का जब तक बाहर तक नहीं आ जाता ना ये, तब तक करते रहो इसको। बच्चे देखो शिवाय के, देख मुंह में पानी आ रहा, बार बार यू कर रहा है वो। शिवाय भूख लगी क्या आपको? हाँ, थोड़ा सा फेस दूर रखो बेटा। मस्त हो गई तो, टिक्की हो गई, टिक्की हो गई ये तो मस्त। बस हाँ, ये दादी का, ये दादी से मांग के लाया ना तो दर्द आ रहा है इसको। अरे दादी का मम्मी जी, क्या मम्मी वहाँ पे सेम है क्या? ऐसा का ऐसा है। तो क्या करना, ब्रेड? हाँ, ब्रेड रखो ना, ब्रेड को ही बटर में कर ले, हल्का हल्का कर लो, बढ़िया। और यार कितना सॉफ्ट हो गया, देखो 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 दोस्तों, देखो जेली टाइप हो गया। इसको अच्छे से पहले सेकने दो ब्रेड को, तब और अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक हमारी ऑलमोस्ट सिक चुकी है, और फटाफट और सेक लेते हैं। हाँ, गैस बचाओ भैया, समय का और संसाधनों का सदुपयोग करो। देखो शुरू में ये ऐसी थी, मेल्ट होके कैसे हो गई पूरी। अरे बहुत सॉफ्ट हो गई, बहुत सॉफ्ट हो गई। गरम गरम खाएंगे, बढ़िया। आज भी होने दो इसको। हाँ, बढ़िया, गरम गरम खाएंगे। हाँ, ये थोड़ी सी आखिरी सेकते ना चक्की। हो गई ना, देखो उस साइड भी हो गई, और तेज करूं? इनको साइड में कर दे, दो दो मिनट के लिए। ये तो देख कितनी पिघल गई वाली, जल्दी हो गई। और गजब तो बोल रही हूँ मैं दोस्तों, ये वाली बीच वाली देखो, ये हुई असली मेल्ट। तो चक्की रुक जा रुक जा। हाँ, धीरे धीरे करते ना भाई साहब, ये तो पिघल गई। हाँ यार, जैसे चीज पिघलता है ना। अब इसको बिल्कुल आहिस्ता से है ना ब्रेड के ऊपर रख दे। अरे मेरा बेटा, अभी दोनों बच्चों को खिलाता हूँ मेरे। आपको अच्छी लगी थी कल? ये बोलता मम्मा ने मेरे को एक ही बाइट खिलाया। तो पापा ने लिया ही एक ही था। मैं तो अपन खुद बनाने के हिसाब से लिया था, मैं तो मन चल गया चलो कोई मतलब खा लेते हैं। तो ये गया सबसे पहला मनसा का, और ये गया शिवाय का। यार ये देख कितना बढ़िया है, ला ला ब्रेड, ला ब्रेड, ला फटाफट। कैसा लगा मनसा? अच्छा है शिवाय? बेटा देख जैसे दीदी खा रही है ना। आहा, 1 2 3। धीरे से बाइट करो, खाओ खाओ खाओ, वेरी गुड। अच्छा है, लाओ दे दो उसको। गरम गरम है ना, धीरे धीरे खाना। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा भाई, पसंद आ गया भाई। हम सबका टेस्ट दोस्तों एक जैसा है, मतलब हमारी खाने में पसंद ना पसंद सब चीजें सेम है। जैसे पापा को धनिया कोरिएंडर पसंद नहीं है ना। हाँ, मेरे को ऊपर से धनिया कोई डालता ना कच्चा भाई, गुस्सा आ जाता है खतरनाक वाला। निकाल देती है एक एक पत्ती ये भी। ये बात दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, लगभग हर सीरीज में, हर वीडियो में तो नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब 10-20 साल बाद अगर हम जिंदा रहे तो हमारे वीडियोस देखेंगे, बच्चे हो जाएंगे बड़े बड़े, पता नहीं कहाँ पढ़ाई के लिए जाएंगे, क्या हमारे साथ होंगे या कहीं पर बाहर चले जाएंगे जॉब वगैरह के लिए, तब ये अपने वीडियोस देख देख के हमें मिस करेंगे। करोगे ना मिस? दोनों बच्चे हमारे, दोनों बच्चे अच्छे हैं और दोनों बच्चे करेंगे, अभी तक के लिए तो बढ़िया ही है, आगे का कुछ कह नहीं सकते भैया। दोस्तों मेरा ये मानना है जितनी कम सुख सुविधाओं में बच्चों के साथ हम एंजॉयमेंट कर सकते हैं ना यहाँ पर। अब देखिए बच्चे क्या सीख रहे हैं इससे, कि भाई इसने जैसे चेरी ने बोला मम्मा पानी थोड़ा थोड़ा करना अपने पास कम है, मतलब इसको पानी की वैल्यू कहीं ना कहीं उसमें पता लग रही है। शिवाय ने जैसे कुछ और चीज़ बोली मुझे याद नहीं आ रही, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये अपने पास लिमिट संसाधन है, उसको अपने को ढंग से करना है, कचरा नहीं फैलाना करना सबसे मेन चीज़, नेचर के लिए अपन बच्चों को वो कर रहे हैं। तो जी अब हमारे विकास भाई ने एंट्री मार ली है, ये हमारे लिए कोई हिप्पी, हिप्पी क्या होता है, यप्पी, यप्पी बना के लाए भाई, कि पता नहीं अब कौन सा यप्पी है। ला 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 अपने स्टाइल। तो विकास भाई बर्तन लाओ, ठीक लग रही है, सही है सही है। अरे मस्त है, तो ये लो जी गर्मा गर्म कलाड़ी का नंबर विकास भाई का। और चटनी के लिए काम करते दोनों दे, दोने दो तीन लाए, दोने में खाली कर लेते चटनी। कहां लाए दोने? ये अनारदाने की चटनी है दोस्तों, दही के साथ बनी हुई है, हरी मिर्ची वगैरह फुल स्पाइसी है। एक और गिलास दे दो, मैं तो पी जाऊंगा भाई। नहीं बेटा वो आप नहीं पी पाओगे, आपको नहीं भाएगी। ट्राई करके देखो थोड़ा सा, ये ले लो थोड़ा सा, ट्राई करो, शिवाय का रिएक्शन देखना। ले तू भी पी ले बेटा, आपको तेज है तेज है। और पिएगा? कोई बात नहीं, सब ट्राई करानी चाहिए बच्चों को, सब तरह का टेस्ट आना चाहिए। मम्मी कुछ मीठा दो, है बढ़िया। ये है चीज का मासी का बेटा भाई, समझा? दूर का वाला, लाओ भाई लाओ। ये देखो ऐसा टेक्सचर होता है दोस्तों इसका, ये जो असली कलाड़ी होती है ना, मेरे को लग रहा भाई ने मिक्सअप तो नहीं दी अपने को, कोई तो ऐसी बढ़िया पिघल रही है और कोई कोई वैसी हो रही है। दोस्तों देखो ये ऐसा टेक्सचर आता है सेम जो चीज का आता है ना, ये देखिए देखो
तो इसको खाएंगे हम अनारदाने की चटनी के साथ। आनंद आ गया भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा, दिन वसूल हो गया आज। अच्छा वो आपने चाय नहीं बनाई, चाय की जगह ये कुछ नई चीज़ पी आज। विकास भाई के हाथ की चीज़ें कभी कभार बहुत कम खाने को मिलती है, लेकिन स्पेशल बनाते हैं जब भी बनाते हैं। आ रहा टेस्ट आ रहा है ओरिगेनो का। आनंद आ गया चिक्की जी, खत्म हो गई ना कलाड़ी। अब लग रहा है कि भाई ज़्यादा ले लेनी चाहिए थी, आधा किलो कम थी। तो विकास भाई ये सारा कचरा अपन इसमें भर लेते हैं। चिक्की थैली दे दो। दोस्तों आप भी एंजॉय करिए, लेकिन भाई कचरा कभी मत छोड़ना। क्यों विकास भाई? सारा अपने साथ लेके जाना है। बिल्कुल। तो जी सेहत बनाए तो अच्छी तरीके से बनाए। एप्पल रखे हमारे पास में, देखिए लाल बूंद एप्पल है। खाते और सेहत बनाते हैं, आप भी आइए हमारे साथ में। आते हैं ना? बिल्कुल आते हैं, हम तो कैमरामैन बन के खड़े हैं कब से। मस्त है, बढ़िया है, अच्छा है। टेस्ट करके देखना मीठी है नहीं है, क्योंकि बहुत सी अभी सेब बाहर से तो ऐसी लगती है। वो अरे वो बच्चा कब से नंबर लगा के बैठा है, उसको तो दे नहीं रही। पहले शिवाय को दो भाई, दे 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 उसको, दे एक एक मिनट में नंबर दे रहे। मीठी है नहीं है? जूसी जूसी है। चलो जी, टेस्टी है सीन ना, अच्छी है। तो जी बढ़िया वाला आज का दिन वसूल हो गया। सुबह से आज तो खाना पीना लग रहा है भाई, कश्मीर की वादियों में आनंद ले रहे हैं। दोस्तों बेताब वैली आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। मैंने मेनली तो ड्रोन शॉट्स पे इन पे फोकस किया है, ताकि क्योंकि उससे बिल्कुल आपको असलियत पता चल जाएगी कितनी खूबसूरत है बेताब वैली। हमने सोचा था एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट होगा, लेकिन भाई तो पिकनिक स्पॉट निकला। और वहाँ क्या अगर पिकनिक नहीं करी तो भाई हम फिर ट्रैवलर नहीं है, टिफिन पार्टी। हाँ तो हमारा भी मूड बन गया। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। हमने यही था कि आते लोग बाग देखते और फोटो खिंचा के चल जाते हैं भाई। यहाँ पर तो रियल एंजॉय करने आते हैं लोग बाग, और सच में टूरिस्ट से ज्यादा है ना लोकल्स थे यहाँ पर। हाँ। है ना, श्रीनगर से काफी लोग आ रखे थे, स्कूल वाले और ये। हाँ बेटा डस्टबिन में फेंकना कचरा, लेके जाओ साथ में, चलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया। तो जी आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी का सीन कुछ ऐसा है। यहाँ से हम निकलने वाले हैं यहाँ की अगली डेस्टिनेशन चंदनवाड़ी के लिए। हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसा घूमने लायक हमें बताया नहीं, लेकिन हम घूमने के लिए नहीं आए भाई, हम फील करने के लिए आए, एक्सप्लोर करने के लिए आए। चंदनवाड़ी के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो भाई वहाँ से बाबा अमरनाथ बर्फानी की अपनी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। उनके चरणों में आज हम कैंपिंग करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। वरना हमारी कैंपिंग लोकेशन कलवारी, वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे घूम घुमा के एक्सप्लोर करके। तो भाई इस बार का जो मेन मोटिव है यही है, पूरी रैंडम ट्रिप है, कोई आइटनरी नहीं है। जहाँ मन हो रहा है वहाँ दो दिन रुकेंगे, जहाँ मन नहीं हो रहा वहाँ कुछ भी नहीं रुकेंगे। अरे हाय देखो, देख स्टाइल मार रही, तो देख फुल ट्रेंड है भाई, भैया तो फुल ट्रेंड है भी यार रील्स बनाने में। दोस्तों यहाँ पर मैंने कवे बहुत देखे यार, और बहुत बड़े बड़े साइज के हैं देखो। तो चलिए जी बहुत अच्छा एक्सप्लोर हो गया, उम्मीद है आपको ड्रोन शॉट्स वगैरह भी पसंद आए होंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, देखिए पिकनिक स्पॉट के हिसाब से लेना इसको, पिकनिक स्पॉट वैसे नहीं, मतलब आए और दो फोटो खिंचवाए तो मत आना भाई यहाँ पर। अगर आप आए और आपको डेढ़ दो घंटा ढाई घंटे अपने परिवार फुल डे परिवार पार्टनर के साथ बैठना है, करना है, आराम से चिल करना है ना, उस हिसाब से आओ। हम एक डेढ़ घंटे के सोच के आए थे, चार साढ़े चार घंटे हमें हो चुके हैं। तो आज का लगभग दिन हमारा बेताब वैली में हो चुका है। हाँ जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा बेताब वैली आपका, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दोस्तों को भी भेजेंगे, ग्रुप है, आता रहता है। बिल्कुल, इसीलिए आज दिन भर रुक गया मैं यहाँ पर, देख लो। तो दोस्तों गाड़ी तो मैंने स्टार्ट कर ली, लेकिन थोड़ा सा जी धक-धक कर रहा है, क्योंकि एक ही टॉर्क में चढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 60% की चढ़ाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। बोलो श्री मनसा माता की जय। बस सामने से गाड़ी नहीं आनी चाहिए यार। ओ भाई साहब, वो बच्चा दिखा रहा, देखो गाड़ी को। ओ भाई फुल टॉर्क के साथ। दोस्तों बहुत भयंकर चढ़ाई है जाते टाइम, तो बस ये है रुकनी नहीं चाहिए। और यार ये शिट, ये पैस थोड़ा सा खराब है, देखना ना। जाने दो, पावर है भी अपनी लाडो में, पावर है। दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों कंपैरिजन नहीं, हालांकि पावरफुल है भी ये ट्रैवलर में। तो जी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं अभी चंदनवाड़ी वाले रोड पर। क्या बात है यार, कैसे काट के बनाए, देखो ये सेम स्पीति वैली की याद आ गई। किन्नौर वाले में जो जाते हैं ना दोस्तों, सेम वैसा रास्ता है, हालांकि उससे पतला है, सिंगल रोड है, मतलब सामने से गाड़ी आ जाती है ना तो आपको साइड में दबानी पड़ती है। तो दोस्तों अब देखिए ये है पूरा नज़ारा, पूरा तो नहीं मतलब 3-4 किलोमीटर आगे तक बताते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है ना ये देखिए, हम लोग वहाँ तक नहीं गए थे। ये देखिए जो झूले वगैरह दिख रहे हैं आपको उस जगह, ये है शेषनाग रिवर है, इससे पहले वाला मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो करीब यहाँ तक आते आते 1.5 या 2 किलोमीटर तो हो ही जाता होगा, इसके आगे भी है अगर आप जाना चाहते हैं तो। जी फाइनली ये डिसाइड हुआ है, ऊपर से बुलावा है अमरनाथ बाबा का कि भाई ऊपर तक तो तुम पता नहीं कब आओगे, मेरे धोख जरूर देकर जाओ। तो 9 किलोमीटर यहाँ से चंदनवाड़ी है, क्यों फिर पता नहीं कब आना हो, बुलावा हो या नहीं हो,
तो बाबा के धोख जरूर देकर आएंगे वही नीचे तक। क्यों चिक्की? हाँ। और चिक्की नहीं बोली है ये बात, क्या पता जाना हो नहीं हो, जहाँ से यात्रा शुरू हो रही कम से कम वहाँ तो जा ही सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चरणों में तो धोख देकर आ ही सकते बाबा के। आगे भी तीखा मोड़ बता रहे भाई, चंदनवाड़ी जैसे ऐसे पास आती जा रही है ना, एडवेंचर लेवल बढ़ता जा रहा है दोस्तों। लेकिन ये एक बार में मैं काट लूंगा, ये काट लिया जी। विकास भाई देख रहे पीछे से, बहुत खड़ी चढ़ाई हो गई भाई चंदनवाड़ी तक तो आते थे। लो जी सामने से आ गए हैं यहाँ के लड़ाकू विमान, और भाई देखो सबकी एक जैसे चाल रही है। देखो दोस्तों नीचे देखो क्या गजब नदी दिख रही है, ये शेषनाग रिवर है, शेषनाग, ये देखिए बहुत ही गजब नजारा है भाई साहब। मोड़ तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना दोस्तों, लेकिन अब मैंने एक ही बार बैक लिया था, एक या दो बार, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंगल टर्न में काटने का। ये देखिए एक और आएगा, हेयरपिन बैंड बहुत सारे हैं, आप इसको अगर नेविगेशन पे देखोगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा। और जैसे ऐसे ना हर मोड़ के बाद हम काफी ज्यादा हाइट गेन कर रहे हैं गाइस। सामने वाटरफॉल देखिए, ऐसा लग रहा है दूधिया वाटरफॉल, मतलब दूध निकल के आ रहा है ना जैसे, पूरा व्हाइट एकदम। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, ये सामने देखिए भाई बेस कैंप अमरनाथ जी का, ये पहली झलक ये देखिए जी, ये देखिए भैया। आगे जा सकते हैं चंदनवाड़ी तक? हाँ, ये वाली गाड़ी जाती है, ठीक, थैंक यू। तो जी इससे आगे जा सकते हैं, शायद जब यात्रा चलती है ना तब नहीं जाने दिया जाता, जब यात्री होते हैं ना तभी जाते हैं। और ये मैंने गाड़ी उठाई और फाइनली हम एंटर कर गए जी बाबा की नगरी में। बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोश देख रहे हो चिक्की जी का? हाँ हाँ, बहुत ऊपर तक है, चंदनवाड़ी तो फुल स्नो से ढकी हुई रहती है, देखो आप। आएंगे भाई कभी आएंगे, जब बाबा को बुलावा होगा ना तब आएंगे। ये नीचे ऑफिस वगैरह सब खाली पड़े, अभी तो सब खाली पड़े हैं। ओ भाई साहब, इस रूट की सबसे खतरनाक चढ़ाई आने वाली है दोस्तों, ये देखो वहाँ पर, जैसी पार्किंग से निकलने के बाद थी ना, शायद आपको कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत तगड़ी चढ़ाई है। तो जी बाबा बर्फानी की नगरी चंदनवाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है, आई थिंक यही होगा क्योंकि 1 किलोमीटर ही था नीचे बेस कैंप से। बड़ा ही सुनसान माहौल दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ठीक है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो बाबा के चरणों में धोख देनी थी और एक बार देखना था, क्या पता कब बुलावा है। ऊपर की तरफ देखो, पहाड़ी पर गोल्डन आवर चल रहे हैं, एकदम गोल्डन, सोने की तरह चमक रहा है भाई ऊपर टॉप। तो जी ये है जी चंदनवाड़ी, जो मेन अमरनाथ यात्रा का बेस पॉइंट कहा जाता है। इधर की तरफ से शायद 32 से 35 किलोमीटर है दोस्तों, और सोनमर्ग की बालटाल, सोनमर्ग है ना जो, वहाँ पे जो बालटाल है ना वहाँ से 14 किलोमीटर है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम बताते हैं। मेरा तो मन हो रहा है आज रात यहीं पर रुक जाऊँ मैं। पार्किंग किधर है? इधर, इधर है। चलिए जी एक बार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं चंदनवाड़ी। तो गाइज यहाँ पर है हेलीपैड, टूरिस्ट बंगलो भी है लेकिन वो बंद पड़ा है, लेकिन वॉशरूम का हमारा अरेंजमेंट हो गया है, भाई लोग सब बीआरओ से ही है। तो जी आज की कैंपिंग यहाँ पर होने वाली है हमारी, बाबा अमरनाथ के चरणों में। तो जी यहाँ पर देखो पूरा माहौल बना रखा है, भाई लोगों ने मस्त वाला क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखिए अभी शॉट पड़ने वाला है और ये लगा सिक्सर, अरे यार। यहाँ पे टूरिस्ट बंगलो है, सब कुछ बंद है दोस्तों, केवल भाई लोगों ने बोला इन्होंने कि भाई हमें रात को कोई टेंशन नहीं है, पास में ही रहते हैं ये सब। और यहाँ पर हमारी गाड़ी लगी है, इस बार हम दिशा को देखकर लगा रहे हैं, सुबह पलट देंगे इसमें से, क्योंकि धूप वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ पे धूप बहुत तेज़ लगती है। और यहाँ पर देखो 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 इसको देखो, हाँ करो धीरे से है ना, धीरे धीरे खेलो, क्या बात है, पहली बार में ही चौका। सच बात बोलूँ तो दोस्तों अब शूट वूट करने का मन इतना कर नहीं रहा, आराम से यहाँ पर चेयर वेयर लगा के मस्त एकदम यहाँ की ठंड को, यहाँ की वाइब को फील करने का मन कर रहा है। मतलब मैं यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर है बाबा, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके चरणों में हम बैठे हैं अभी, तो बड़ा सा मतलब है ना अलग सा फील आ रहा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वैसे तो आपको मैंने काफ़ी कुछ दिखा दिया इस वाले दिन में, आज के दिन में, क्या बात है यार, शॉट लगा रहा तू तो। मतलब मैंने मना कर दिया ना, भैया के पास चला गया कि चाचू आप बॉल फेंक दोगे। तो जी अंदर दोनों माँ बेटियाँ पूरी गाड़ी वाड़ी जमा रही है यार, बाहर से भी बड़ी खूबसूरत लग रही है ये, तो देखो अभी कांच वगैरह गंदा हो गया दोस्तों। हेलो चेरी गाइज, यहाँ से देखिए दोनों भाइयों की गाड़ियाँ क्या जबरदस्त लग रही है, विकास भाई ने जस्ट हमारे पास में लगाई है सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से, हालांकि लोग बहुत अच्छे हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत उनका पहला एक्सपीरियंस है ना रूफटॉप टेंट का, तो हमें भी डर लगता था पहले। हमारी गाड़ी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, पीछे की तरफ देखिए पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, चंदनवाड़ी में अभी हम हैं। इधर की तरफ देखिए जो घास है ना, इधर आगे की तरफ भी उग रखी है, बिच्छू घास है, यहाँ पर कुछ और बोलते हैं उन्होंने, बोला भैया इसके टच मत होना बड़ी खतरनाक है, खुजाते रहो अगर, बहुत तेज जलन मस्ती है दोस्तों। और इधर हलचल हुई है, भैया कौन है, आ जाए क्या आपके घर में? भैया आप ही का घर है, आओ आप। यार हवा महल बना दिया आपने तो, जबरदस्त लगा दिया कैफे लाइट्स वगैरह लगा के इसके अंदर, लाइट वाइट लगाते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी। तो जी रूफटॉप टेंट की बहुत बहुत बधाई हो विकास भाई। भैया धन्यवाद आपको बहुत बहुत।
इधर हमारी मनसा पढ़ाई कर रही है, कोर्स आ गया उसका आज, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है इन दिनों इसकी। चिक्की हाँ? चलना पड़ेगा यार ऐसे। क्यों, क्या हो गया? आगे चल के बताता हूँ। क्या कुछ इशू हो गया? तो दोस्तों हमें अभी का भी यहाँ से निकलना होगा, उसका रीज़न ये है लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पे भैया लोग थे, जहाँ अभी पुलिस स्टेशन से एक भैया आए थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको मतलब वैसे तो कैंपिंग अलाउ है ही नहीं, यहाँ पे कैंपिंग लोकेशन नहीं है किसी भी तरह की, और यात्रा वगैरह बंद हो चुकी है, तो बहुत ही कम लोग भाग है। उन्होंने बोला इधर आपको बिल्कुल अलग थलग, जैसे कि हम है ना मेन सिटी, सिटी नहीं मतलब जो चहल पहल है ना उससे करीब 200-300 मीटर नीचे आए हैं, तो इधर बिल्कुल सुनसान है। बोले रात के टाइम किसी भी तरह की रिस्क रह सकती है, किसी भी तरह की मतलब उनकी नज़र में जानवर वगैरह या कुछ भी अगर वो हमें समझाना चाह रहे थे, तो SHO साहब भी बहुत अच्छे नेचर के थे। उन्होंने बोला भाई इधर ले आओ, वॉशरूम भी आप हमारा अटैच वाला यूज़ कर लेना, आपके साथ बच्चे हैं लेडीज़ वगैरह। बोला सर देखिए ऐसी रिस्क वाली बात भी नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं कि हमें करनी ही करनी है, आधे घंटे का नीचे रास्ता है वापस, तो हम लोग जो जहाँ कल रुके थे ना पहलगाम वाले लेवेंडर गार्डन में, वो एकदम सेफ जगह है, तो अब गाड़ी खींचते हैं। विकास भाई का भी मैंने सेटअप वगैरह सब करवा दिया है, और आधा पौन घंटा लगेगा भाई। तो देखिए जहाँ मन में इस जगह वहम रोता है ना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं। हालांकि कोई, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इसको नेगेटिव वे में मत लेना, उन्होंने हमारे भले के लिए ही बोला है कि भाई इधर अकेले में आपको रुकने नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि उनकी जवाबदारी बनती है कल को कुछ भी होता है। तो उन्होंने बोला पुलिस थाने के अंदर आराम से करिए, लंबी चौड़ी जगह थी, लेकिन ठीक है यार अपन वाइब के लिए आए, देखिए हम एन्जॉयमेंट के लिए आए, हम जरूरत के लिए नहीं आए यहाँ पर, और हमारे पास ऑप्शन भी है, तो चलिए नीचे चलते हैं वहाँ पर। और वैसे भी आज का वैसे दिन आपको मैंने बता दिया एंड हो ही चुका है हमारा, तो कुछ दिखाने लायक हुआ तो नीचे दिखाएंगे। तो अभी गाड़ी खींचते हैं, उसके बाद सीधे नीचे मिलते हैं आपसे। तो चलिए जी बाय बाय बोलते हैं चंदनवाड़ी को। भाई लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन देखिए अपनी सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने बोला था, तो कोई नहीं, कभी बाबा ने बुलाया तो जरूर आएंगे यात्रा पर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसी बात नहीं है का, जितनी देर रुके उतनी देर बहुत बढ़िया रहा। धीरे धीरे यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, रास्ता बहुत ही कर्वी है, थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा दोस्तों, लेकिन ठीक है रोड अच्छा है। दोस्तों अगर पुलिस वाले भैया थोड़ा पहले आ जाता ना, तो हम उसी टाइम निकल जाते हैं उजाले उजाले में। अब हमारा ऐसी कंडीशन रह गई थी, हमें वहाँ पे मतलब वो तो अभी जाते जाते भी रोक रहे थे हमें कि भाई रुक जाओ, अगर इस कारण से जा रहा हो ना तो मत जाओ, हम आपको सारी सुविधा और सारी सेफ्टी देंगे। लेकिन यार बस वही है ना, एक फिर मन मानता नहीं है, मतलब चलो ठीक है सुबह आरूवेली भी जाना है हमें, तो वो टाइम भी बच जाएगा कर जाएगा। तो जी फाइनली करीब 35 मिनट में हम लोग पहलगाम पहुंच चुके हैं, बहुत ही धीरे धीरे आए, आराम से आए, एकदम सेफ, उसमें मतलब कोई किसी तरह की रिस्क नहीं ली हमने। अब हम सोच रहे हैं भाई कल वाली पार्किंग पर चल जाते हैं, लेवेंडर पार्क वाली, काफ़ी सेफ था, भाई लोग भी सही थे, और टॉयलेट वगैरह बिजली पानी सब चीज़ों की वहाँ पर व्यवस्था हो गई थी। तो चलिए वहीं पर चल के सीधा सेटअप करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी वापस पहुंच गए हम हमारे कल वाले ठिकाने पर, और देखते हैं भाई लोग हमारा स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं हमारे घर के अंदर, मतलब घर के अंदर ही थे, गार्डन में जहाँ पे हमने कल गाड़ी पार्क करी थी वापस वहीं पर आ गए। इससे सेफ जगह भाई हमें कुछ भी नहीं लगी है, और एकदम कम्फर्ट माहौल रहता है ना तो मज़ा आता है। तो अभी वैसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत तोड़ मरोड़ के फाइनली हम पोहा बना के जा रहे हैं। जी हाँ आपने सोचा होगा कि भाई ये तो नाश्ते की चीज़ है, भाई हमारे कुछ भी नहीं चलता, जब मूड हो गया जो चीज़ हो गई ना बना के खा लिया। तो चिक्की जी एक एक प्लेट पोहा बना रही है, बढ़िया, पहले खिचड़ी का था तो खिचड़ी विकास भाई बना रहे हैं। दोस्तों अभी कंडीशन ऐसी है, हमें भूख नहीं लग रही है, लेकिन हमें ये डर है कि अभी रात को सो गए और फिर रात को 1:30-2 बजे भूख लगी तो क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा आधार हो जाएगा, एक आध कटोरी विकास भाई से ले लेंगे, वो आदान प्रदान कर देंगे, बस इतना ही है आज। एनर्जी भी थोड़ी लो हो गई है अब, क्योंकि बहुत मस्ती करी आज दिन भर, आपको पसंद आया होगा। तो चिक्की जी उधर पोहा को भिगो रही है, और मैं ऐसा कुछ प्रोसेस दिखाऊंगा नहीं, इस बार इंदौरी पोहा नहीं बना रहे दोस्तों, हमारे शॉर्टकट वाले पोहा बना रहे, मतलब जो मसाला फ्राई करते हैं ना प्याज टमाटर का इनका सबका, है ना चिक्की वाला बना रही है ना, जल्दी से बना रहे शॉर्टकट, थोड़ा शॉर्टकट वाला बना रहे भाई, अब हालत टाइट हो रही है, और रात के बजने वाले हैं 10-15 मिनट के अंदर चिक्की जी की आवाज आ जाएगी, फिर साथ में बैठ के खाएंगे, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे 10 दिन बाद नल आता है ना, पानी आता है ना, कि ये भी भर लो वो भी भर लो, तो भाई फटाफट हम पावर बैंक्स वगैरह सब चार्जिंग पे लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 घंटे के लिए लाइट आती है, 12 बजे चल जाएगी। नमकीन पड़ी है ना, नमकीन डाल के खाएंगे आराम से, आज बहुत शॉर्टकट में दिखाएंगे भाई आपको, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है, सच बात तो ये है, आज रेस्ट करने का मन कर रहा है सच में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई विकास भाई के नाम नाम की क्या हाथ की खिचड़ी रखो भाई, रखो यहाँ रख दो ना गर्म, हाँ रखो, आ जाओ फटाफट साथ में खाएंगे, मैं आ गया बस बर्तन आ जाओ। तो जी बच्चा एक बार सो जाता है ना उसके बाद, क्योंकि आज शिवाय ने इतनी मतलब बदमाशी तो क्या कर रहे हैं, खेला कूदा है ना सुबह से, क्रिकेट तो इतना खेला है, कितना क्रिकेट खेला, चंदनवाड़ी में क्रिकेट खेल कर आ गया हमारा बच्चा, देखो आप।
हाँ भाई, कैंपिंग का हमने कायदा कर लिया, अपने अपने बर्तन खुद लाओ खाने के लिए, है ना? रहता है, सबसे बढ़िया रहता है। अब एक एक बर्तन सब लेके, कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं किया, उसके बर्तन मैं धोऊंगा या मेरे बर्तन वो धोएंगे, वो भी नहीं। और मतलब सबसे बढ़िया रहता है, काम नहीं बढ़ता किसी सामने वाले का, काम भी नहीं बढ़ता। और कैंपिंग करने आए, अपना बर्तन होना जरूरी है। ये ट्रिक विकास भाई ने बताई हमें, सबसे बेस्ट है। इसमें नमकीन डालो भाई, आज पूरा इंदौर, मतलब इंदौरी पोहा नहीं लेकिन इंदौरी स्टाइल से खिलाएंगे, सब इंदौरी स्टाइल। हाँ, तो ये नमकीन डाले जी, इसके ऊपर जीरावन मसाला, हमारा होम मेड जीरावन मसाला। सुबह जो पोहा आपने बनाए थे ना, उसमें इसमें रात दिन का अंतर आएगा, वो तो इंस्टेंट है ये, तो अपना ये हाथ का बना है, ठीक है, सही है, घर वाली फील है। नमक अमक ऊपर नीचे हो तो ले लेना, सही है, सही है। नींबू मिलाया था चिक्की, टाटी डाल दी थी, नींबू कल याद रखना, मार्केट से ले लेंगे नींबू और विनेगर। तो जी देख रहे हो भाई, आनंद ही आनंद आ रहा है, एक तरफ से पोहा ट्रांसफर हो रहा है, एक तरफ से खिचड़ी ट्रांसफर हो रही है भाई, मजे मजे चल रहे हैं एकदम, क्यों मजे ही मजे, मजे मजे। हाँ बढ़िया पोज आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ परमानेंट बिग बॉस के घर की तरह इसमें कैमरा फिट करा दूं, क्यों हाँ। और लाइव चलता रहने दूं, क्यों हाँ। लो जी लो, 24x7 धन्यवाद। कल अपन जब आए थे ना, जब अपने को टेस्ट होने लग रही थी, आज इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि अपन हैबिचुअल हो गए उस चीज के। चिक्की जी अच्छे बने, पहला उद्घाटन मेरा ही कर रहे हो क्या? आपको ही डाल रहा हूँ सबसे पहले। चलो जी, सबके मतलब सब चटोरे हैं अपन, है ना? मैं सिंपल नहीं खा सकता भैया खाना, ये तो मैंने अभी बच्चों के लिए थोड़ा सिंपल बनाया, नहीं तो ये स्पाइसी पसंद है आपको चटपटा? मैं हल्का नहीं खाता बस। लाओ चिक्की जी, लेट ले आओ। तो जी फाइनली गुड नाइट बोल दिया है विकास भाई को भी, और सुबह जल्दी उठने का अल्टीमेटम भी दे दिया भाई। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे भाई, थोड़ा सा नहीं काफी लेट, करीब 12:30 तो हमें यहीं पर बच गए थे, लेकिन चलिए कोई नहीं, दिन का सदुपयोग हो गया। तो हमेशा के जैसे हमारा बेड तैयार है, चादर अदर बिछा के पड़ जाएंगे भाई। अब सीधा सोने की बारी है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा भाई, हमने पूरी कोशिश करी है आपको घर बैठे एक अच्छा एहसास कराने की, एक्सप्लोर भी किया है हमने, कुकिंग भी करी है, वैन लाइफ भी दिखाई है, तो सभी का एक बराबर तालमेल दिखाया है। उम्मीद है आपको ये सीरीज भी पसंद आ रही होगी, कुछ नया ट्राई करने का हमने सोचा है। तो अगले वीडियो में बहुत स्पेशल जगह और स्पेशल खाने के साथ, स्पेशल कैंपिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, शेयर भी कर देना भाई। तो चलिए जी, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।